राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट को हाईकोर्ट से कुछ दिनों की राहत मिली है। सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत मिल गई है। हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक अपनी कार्रवाई कर दें। अब हाईकोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। मंगलवार तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस खबर की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन में हमारे संवाददाता बनवारी जुड़ चुके हैं। जी बनवारी, राजस्थान में सियासी हलचल चल रही थी, लेकिन सचिन पायलट को हाईकोर्ट से कुछ दिनों की अब राहत मिल गई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल रेनू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 7-8 दिन से जो है राजस्थान की सियासत में उठापटक का दौर जारी था, तो वही आज ये पूरा जो मामला है या तो हाईकोर्ट में चल रहा था, और इस पूरे मामले में अब जो नया मोड़ आया है उसमें सचिन पायलट गुट को जो है एक राहत भरी खबर जरूर कही जा सकती है कि उनके ऊपर जो विधानसभा स्पीकर ने जो नोटिस देकर कार्रवाई करने के जो नोटिस जारी किए थे उसमें आज दोनों पक्षों की जो है बहस हो चुकी, दलीलें दी गई थी। तो इसमें अब राहत की बात यह है कि उनके ऊपर विधानसभा स्पीकर कोई भी 24 तारीख तक कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो फैसला है वो डेफर्ड कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जो सुनवाई जो फैसला आएगा वो 24 को आएगा। जी बनवारी, क्या लगता है आपको आज की सुनवाई के बाद 24 तारीख को किस प्रकार का फैसला हमें देखने को मिल सकता है? जी देखिए, फैसला उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखा है। 24 की फैसला उन्होंने किया क्योंकि वही बातें हैं, अगर दोनों के पक्ष में जो फैसला क्या आता तो उसके बाद यहाँ पर आगे राय खुली हुई थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता। ये फैसला क्या आया ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। और इस पूरे मामले में अब जो मैं आपको नया अपडेट बता रहा हूँ कि सीएमआर में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है कैबिनेट की बैठक लेंगे और यहाँ पर जो भी उनके साथ जो विधायक है मंत्री हैं वो अब यहाँ जल्द ही इस पूरे मामले में मीटिंग में भाग लेंगे। जी धन्यवाद बनवारी तमाम जानकारी देने के लिए।